हेलो बच्चों, स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास थ्री। आज हम पढ़ेंगे लेसन फाइव, यूजिंग द माउस, माउस का प्रयोग। द नेम माउस इज ड्राइव फ्रॉम द शेप विच लुक्स ए बिट लाइक माउस। माउस को नाम इसलिए उसको पड़ा क्योंकि वो एकदम थोड़ा बहुत वो माउस की जैसे दिखता है। इट्स कनेक्टिंग वायर अपीयर्स लाइक द टेल ऑफ ए माउस। जो उसका वायर होता है, उसका तार होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, वो लगता है कि चूहे की पूंछ के समान। द माउस इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस। माउस को हाथ से चलाने वाला एक उपकरण है। इट्स यूजली हैज़ टू बटन्स, द लेफ्ट एंड द राइट बटन, एंड इट ए स्क्रोल व्हील इन द मिडल। माउस के दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन, और बीच में जो घुमाने के लिए होता है स्क्रोल बटन जिसको बोलते हैं, विच कैन एक्ट एज थर्ड बटन। दिस बटन आर क्लिक टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। उसको अलग अलग काम के लिए उसका बटन का प्रयोग किया जाता है। माउस पैड। द माउस पैड इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन सरफेस नोन एज द माउस पैड सो डैट इट कैन मूव स्मूथली। जो माउस है उसके नीचे एक पैड, एक थोड़ा सख्त सख्त चीज़ रखा जाता है जिसके ऊपर रख के माउस को प्रयोग किया जाता है, जिसको माउस पैड बोलते हैं। माउस पॉइंटर। व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन विल मूव एग्जैक्टली द सेम वे। दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग, सो दैट माउस इज ऑल्सो नाउन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का जो पॉइंटर होता है जिसमें हम माउस को अपने हाथ से घुमाते हैं और स्क्रीन पे उसका दिखाई देता है, तो उसको माउस पॉइंट बोलते हैं। उसका एक अलग नाम भी है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इट आल्सो हेल्प्स यू सेलेक्ट आइटम्स। माउस की जो पॉइंटिंग डिवाइस है उससे हम लोग आइटम या भी जो फाइल है उन सबको सेलेक्ट करते हैं खोलने के लिए या फिर किसी और भी कार्य के लिए। ए माउस यूज डिफरेंट पॉइंट्स टू डू डिफरेंट जॉब्स ऑन द स्क्रीन। माउस पॉइंट का मॉनिटर पे अलग अलग कार्य के लिए करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्क्रीन पे। डिफरेंट टाइप ऑफ माउस पॉइंटर्स। अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका माउस पॉइंटर का वो चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए माउस पॉइंटर अलग अलग तरह के हैं। क्वेश्चन मार्क, ये जब कोई फाइल हम लोग खोल रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, खुलने के लिए माउस पॉइंटर है, प्लस है, और यहाँ पे ये कर्सर है, और ये लिंक, किसी भी तरह के लिंक को खोलने के लिए हाथ की तरह जो बन के आ जाता है माउस पॉइंटर है। तो लेसन वन, पार्ट वन वीडियो बेटा, इसको आप भी पढ़िए और समझिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास थ्री। हम लोग पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ माउस, माउस का प्रयोग पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार। दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ माउस, सम ऑफ दिस आर। माउस के कई प्रकार होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है अलग अलग प्रकार के। मैकेनिकल माउस। ए मैकेनिकल माउस हैज़ ए रबर और मेटल बॉल ऑन द अंडर साइड विच हेल्प द माउस टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। द माउस कंटेन फंक्शन विदाउट इट। द माउस कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। जो मैकेनिकल माउस है, ये आप देख रहे हैं मैकेनिकल माउस, इसके अंदर जो ये बॉल है, माउस के अंदर जो ये बॉल है, ये बॉल ही जब माउस को हम लोग इधर उधर हिलाते हैं ऐसे, तो ये बॉल की सहायता से ही माउस काम करता है। अब एन ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव ए बॉल, इट यूजेस लेज़र फॉर डिटेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द माउस। तो टाइप ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस में अंदर एक बॉल होती है इनसाइड में, लेकिन ऑप्टिकल माउस में एक लेज़र होती है। देखिए इसके उल्टे साइड में रेड लाइट जल रही है, तो
यही लेज़र लाइट माउस के पॉइंटर को इधर उधर घुमाती है। अब तीसरा माउस आता है कार्डलेस माउस। कार्डलेस मतलब बिना तार का माउस, इसमें किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं होता है, ये रेडियो तरंगों से चलता है, जो किरणों से चलता है। ए कार्डलेस हैज़ नो कार्ड टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर, मतलब इसमें कोई वायर नहीं होता है कार्डलेस माउस में। इट कनेक्ट टू योर कंप्यूटर विथ ए रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल के द्वारा, लेज़र के द्वारा ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यूजिंग द माउस, वाइल यूजिंग द माउस देयर आर मेनी एक्शन दैट यू कैन परफॉर्म, दीज आर परफॉर्म्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। दीज आर माउस, माउस के जो की होते हैं, बटन्स होते हैं, माउस का बटन्स का अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। तो माउस के जो बटन्स होते हैं क्लिक, उसको क्लिक करने से हमको उसका आउटपुट मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। द टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन जेंटली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट बटन। जब स्क्रीन पे हमको किसी भी आइटम को, किसी भी फाइल को या पिक्चर्स को हमको अगर वो सिलेक्ट करना है, तो माउस को, माउस के बटन को एकदम आराम से पुश करके लेफ्ट बटन को दबा के छोड़ देना है, जिससे जो भी हमारा आइटम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लिकिंग, डबल क्लिक। ये सिंगल क्लिक है, लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक, डबल क्लिक माने दो बार क्लिक करना। प्रेसिंग द लेफ्ट बटन ऑन द माउस ट्वाइस क्विकली, माउस के बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाना, दबाने को डबल क्लिक बोलते हैं। इस नॉन एज द डबल क्लिकिंग, इट इज़ यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट और ए फाइल। डबल क्लिक क्या के लिए हम लोग दबाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को खोलने के लिए डबल क्लिक दबाते हैं। अब पढ़ेंगे राइट क्लिक, क्लिक द राइट बटन टू द डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन। लेफ्ट बटन को स्क्रीन पे जो भी कमांड है उसको दबाने के लिए, खोलने के लिए राइट बटन का प्रयोग करते हैं। स्क्रॉल, मूव द स्क्रॉल व्हील बैक एंड फ्रंट टू द स्क्रॉल द कंटेंट ऑफ द एक्टिव विंडो। जो भी विंडो खुली हुई है, जैसे हमारा स्क्रीन पे अभी हम ये आपको पढ़ा रहे हैं, इसको ऊपर नीचे करने के लिए माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, गोल सा होता है, उसको हम लोग ऊपर नीचे घुमाते हैं, तो हमारा कंटेंट जो भी है, डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन यूज़ द माउस टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्क्रीन। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग द स्टेप्स। ड्रैग और ड्रॉप माने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने को हम लोग माउस की सहायता जो करते हैं उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। वो कई स्टेप में होता है। पहला स्टेप है मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ड्रैग ऑन द स्क्रीन। जिस भी चीज़ को हम उठाना चाहते हैं उसको माउस पॉइंटर को उस आइटम पे करते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं। प्रेस एंड होल्ड, प्रेस माउस को प्रेस करके उसको वैसे ही पकड़े रहते हैं लेफ्ट माउस बटन। ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू मूव इट, माउस को दबाए हुए उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के दबाते हुए जहां हमको चाहिए वहां लाके उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग, माने यहां से माउस को घसकाना वो ड्रैगिंग कहलाता है। रिलीज द लेफ्ट बटन ऑन द स्पॉट वेयर द ऑब्जेक्ट इज बी प्लेस्ड, दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। तो जब हम वहां से ला के उसको वहां छोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग, गिरा देना माने छोड़ देना। तो ये लेसन 5 आप लोग का यहाँ समाप्त हुआ है बच्चों, कंप्यूटर का क्लास 3 का। धन्यवाद।